अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। प्रतापगढ़ के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया आज बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां रामलला का दर्शन कर जन संदेश यात्रा का शुभारंभ किया है। कुंदा से सुल्तानपुर के रास्ते अयोध्या पहुंचे पूर्व मंत्री व जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अयोध्या में श्री रामलला और हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही 2022 के चुनाव का आगाज भी हुआ। इस दौरान यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव में जनसत्ता दल सभी 75 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे की जानकारी दी, जिसमें यूपी से 100 सीटों पर पार्टी पूरे दमखम के साथ जीत की स्थिति पैदा करेगी। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर 2018 को जनसत्ता दल पार्टी का गठन हुआ, जिसके बाद कोरोना ने पूरे देश को प्रभावित कर दिया। अब पार्टी अपने मजबूती के लिए युवाओं के साथ जिम्मेदारी से कार्य शुरू कर दिया है। तो वहीं अन्य पार्टियों से गठबंधन के सवाल पर साफ कहा है कि अभी तक किसी राजनीतिक पार्टियों से कोई बातचीत नहीं हुई है। हम यूपी के 75 जिलों में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं, लेकिन इस दौरान कोई भी बड़ा दल बात करता है तो उस पर विचार किया जाएगा। तो वहीं आज अयोध्या से चुनावी आगाज करते हुए पूरे प्रदेश में जन संदेश संकल्प यात्रा का प्रारंभ किया है। हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी शुभ है वो उनकी देन। ये राय है कि जहां हम मजबूत स्थिति में हो वहीं लड़ा जाए। लड़ने के लिए नहीं लड़ना है, जीतने के लिए लड़ना है। जीतने की संभावना जहां हमको दिख रही है वहां पर लड़ना है। तो 100 ऐसी सीटें करीब अभी तक चिन्हित की गई हैं, तो अब आगे का देखा जाएगा। उसमें अगर 100 से अधिक भी संख्या हो तो और 100 लड़ेंगे नहीं, और अगर लड़ेंगे तो उनके सम्मान में प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। आप बात करेंगे तो हम ये भी स्पष्ट कर देंगे, जो किसान आंदोलन आप देख रहे हैं या पूरा देश देख रहा है इतने दिन से धरना प्रदर्शन, उनको हम असली किसान नहीं मानते। असली किसान खेत में पसीना बहा रहा है और काम कर रहा है, इसमें से हम भी हैं और आप भी शायद ग्रामीण कृषि भी होंगे। आपके भी पिताजी खेती किसानी ही करते हैं। नहीं, यूपी चुनाव का नहीं कर रहे हैं। जनसत्ता दल का गठन नवंबर 2018 में हुआ था, उसके बाद पूरा प्रदेश, पूरा देश, यहाँ तक कि पूरी दुनिया कोविड के चपेट में आई, और वो सब मंजर सारी चीज़ें आप सभी लोगों ने देखी हैं। अब ईश्वर की कृपा से कोविड का दुष्प्रभाव लगभग समाप्त है, तो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने, समर्थकों से मिलने, उनकी राय जानने, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे प्रदेश में दौड़े का आयोजन है। उसका शुभारंभ भगवान श्री राम के आशीर्वाद लेकर के, हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेकर के आज से यहाँ से।